अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी क्वेश्चन टैग गाइस टैग शब्द का नाम आप बेहतर तरीके से जानते हैं टैग का मतलब होता है लेबल या एन अपेंडिज गाइस टैग आप ये तो हमें पता है कि किस कंपनी का टैग है इस शर्ट पर इस बैग पर या किसी भी सामान पर ये रूबरू हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बट यहाँ हमें टैग नहीं क्वेश्चन टैग पढ़ना है वट इज़ क्वेश्चन टैग अ शॉर्ट फ्रेज एट द एंड ऑफ असर्टिव और इम्प्रेटिव सेंटेंस दैट टर्नस दीटमेंट इन टू अ क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग असर्टिव सेंटेंस या इम्प्रेटिव सेंटेंस के एंड में एक ऐसा शॉर्ट फ्रेज आए जो पूरे स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदल दे सवाल में बदल दे तो उस शॉर्ट फ्रेज को क्वेश्चन टैग कहते हैं सवाल उठता है असर्टिव या इम्प्रेटिव सेंटेंस के बाद ये शॉर्ट फ्रेज आता क्यों है तो जवाब ये है बच्चों कि कभी कभी कही हुई बात को अप्रूवल देने या लेने के लिए हमें एक सवाल पूछना होता है अग्री या डिसअग्री के सेंस में तो वहाँ हम किसका सहारा लेते हैं क्वेश्चन टैग का यू कैन सी यर क्वेश्चन टैग इज़ यूज टू कीप अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन वी कैन अग्री और रिफ्यूज टू अ सेंटेंस विद अ क्वेश्चन टैग and that the reason we use question tag after assertive or imperative sentence. let's see example. you are on mistaken आप गलत हैं ये बात assertive में है लेकिन अगर इसी बात को approval लेना है आप गलत हैं नहीं हैं क्या नहीं हैं क्या कि meaning क्या है aren't you अब ये पूरा एक sentence सेंटेंस के नाम से जाना जाएगा टैग क्वेश्चन के नाम से अब ये असर्टिव अफॉर्मेटिव नहीं रह गया ये टैग क्वेश्चन हो गया you are aren't you? ये aren't you? ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग है ही इज नॉट गुड वो अच्छा नहीं है, है क्या इज ही और ये पूरा सेंटेंस बना टैग क्वेश्चन यहां आप देख सकते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो टैग क्या यूज हो रहा है अफॉर्मेटिव क्वेश्चन टैग और अगर अफॉर्मेटिव सेंटेंस है तो टैग क्या यूज होता है नेगेटिव क्वेश्चन टैग सो काइंड्स ऑफ क्वेश्चन टैग कितने हुए टू अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग एंड नेगेटिव क्वेश्चन टैग अफॉर्मेटिव क्वेश्चन टैग कंस्ट्रक्शन वर्ब टू बी और एच वी प्लस सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क नेगेटिव क्वेश्चन टैग वर्ब टू बी एन अपोस्टॉफी टी या फिर एच वी एन अपोस्टॉफी टी देन सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क गाइज एक बात याद रखिएगा हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही नोट को हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ या फिर वर्ब टू बी के साथ फुल फॉर्म में नहीं लिखते हैं क्वेश्चन टैग में अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग इज यूज एट द एंड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव क्वेश्चन टैग इज यूज एट द एंड ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस यू कैन सी नेगेटिव सेंटेंस देन वर्क टू बी और एच बी प्लस सब्जेक्ट ये क्या है अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग और अगर सेंटेंस अफॉर्मेटिव सेंटेंस में है देन टैग क्या यूज होगा नेगेटिव क्वेश्चन टैग वो टू बी एन ए ऑफ टी या फिर एच वी एन ए ऑफ टी सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क और ये पूरा सेंटेंस मिलके क्या बनता है टैग क्वेश्चन इंटरगेटिव टैग क्वेश्चन लेट सी एग्जाम्पल आई एम नॉट स्टूपिड ये नेगेटिव सेंटेंस है इसका टैग क्या होगा अफॉर्मेटिव एम आई और याद रखिए एम आई में ए स्मॉल होगा टैग क्वेश्चन की शुरुआत स्मॉल लेटर से होती है और टैग क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब टू बी अफॉर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के हिसाब से होता है जो स्टेटमेंट दिया है उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टेंस होगा क्वेश्चन टैग का और उसी स्टेटमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट होगा क्वेश्चन टैग का आई एम नॉट स्टूपिड एम आई अगर आपसे कहा जाए स्टूपिड हूं मूर्ख हूं aren't I? नहीं हूं क्या आंट आय आंट आई एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म इंटरगेटिव फॉर्म में आंट होता है ही डजन कार उसके पास कार नहीं है, है क्या डज ही अगर ये बात ऐसे बोली जाए ही हैज कार अब आप देखिए यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टैग क्या होगा नेगेटिव क्वेश्चन टैग ही मोहन डिंट लाइ डिड ही गाइज यहां एक नई बात फिर मिली आपको कि अगर सेंटेंस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नाउन में है चाहे वो कोई भी नाउन हो प्रॉपर नाउन हो कॉमन नाउन हो मटेरियल नाउन हो कोई भी नाउन हो तो उसका क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होगा वो प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन या स्ट्रैक नाउन में ना होकर के प्रोनाउन में होगा पर्सनल प्रोनाउन या प्रोनाउन में होगा देख सकते हैं मोहन डिंट लाए तो डिड मोहन नहीं डिड ही क्योंकि मोहन के लिए पर्सनल प्रोनाउन क्या यूज होता ही मोहन लाइट डिंट ही सारी बातों के रिमार्क पॉइंट में हमने लिखा है यू कैन सीयर क्वेश्चन टैग ऑलवेज बिगिन स्मॉल लेटर क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस एंड सच सेंटेंस इज नोन एज टैग क्वेश्चन द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अपनाउन देअ इज ए कॉम आफ्टर स्टेटमेंट इसके बाद कॉमा के बाद ही क्वेश्चन टैग की शुरुआत होती है और क्वेश्चन टैग की शुरुआत स्मॉल लेटर से होता है क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब या वर्ब टू भी स्टेटमेंट के टेंस के अकॉर्डिंग होता है और उसके सब्जेक्ट भी स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे और अगर स्टेटमेंट का सब इस्टेटमेंट का सब्जेक्ट नाउन में है चाहे वो प्रॉपर मटेरियल एब्रैक्ट कॉमन कलेक्टिव किसी नाउन में हो लेकिन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्रोनाउन में आएगा वो नाउन में नहीं होता है नाउ सम मोर एग्जाम्पल शी विल हेल्प यू देख सकते हैं अफॉर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका टैग क्या होगा नेगेटिव वॉन्ट शी वो तुम्हारी मदद करेगी नहीं करेगी क्या वॉन्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म विल नॉट का है वॉन्ट शी चिल्ड्रेन वॉन्ट स्टे हेयर बच्चे यहाँ नहीं ठहरेंगे विल दे आप देखिए चिल्ड्रेन वॉन्ट स्टे हेयर ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ अब जो क्वेश्चन टैग होगा अफर्मेटिव में आएगा विल दे और चिल्ड्रेन के लिए आप देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन दे है इट साउंडस गुड ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसकी हेल्पिंग वो ऑफ डज होगी इट साउंडस गुड इट साउंडस गुड अच्छा लगता है डज एंड इट नहीं इट डजेंट मैटर फर्क नहीं पड़ता डज इट पड़ता है क्या शी हैड वन कंप्लेन ये वर्क टू हैव है वर्क टू हैव याद रखिए इंडिफिनिट में होता है और ये इस वक्त पास्ट इंडिफिनिट में है तो डिंट शी यू आर आउट स्पोकन आंट यू स्टेटमेंट हैविंग सेमी नेगेटिव वर्ड अगर स्टेटमेंट में सेमी नेगेटिव वर्ड आ जाए तो फिर कौन सा टैग लगेगा सेमी नेगेटिव वर्ड जब किसी स्टेटमेंट में आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है और नेगेटिव सेंटेंस के लिए टैग क्या होता है अफॉर्मेटिक क्वेश्चन टैग सेमी नेगेटिव वर्ड जैसे हार्डली रेयरली बेयरली स्कैसली सेल्डम जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कभी कदार कदाचित ना के बराबर गाइज इनके डिटेल को हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के नेगेटिव पार्ट में लिखा है आई होप आप लोग जरूर पढ़ेंगे सेमी नेगेटिव वर्ड नाउ कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट हैविंग सेमी नेगेटिव वर्ड देन क्वेश्चन मार्क देन अफॉर्मेटिव क्वेश्चन टैग एच वी प्लस सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क वी हार्डली मीट हम मुश्किल से मिलते हैं डू वी आप देख सकते हैं वी हार्डली मीट ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो डू वी आया बाकिंग डॉग्स सेल्डम बाइट ये भी प्रेजेंट डिफिनिट है बाकिंग डॉग्स सेल्डम बाइट डू दे डॉग्स के लिए जो डॉग्स की जगह क्या लगा है दे डू देरली इग्नोर्ड यू ये पास्ट इंडिफिनिट में ही बेयरली इग्नोर यू उसने मुश्किल से आपको कभी टाला उसने मुश्किल से आपको टाला पास्ट डिफिनिट डिड ही अदी रेयरली मिसबिहेव्स ड ही नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग गाइज इंपरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं आता है इसके अपने रूल्स हैं इंपरेटिव सेंटेंस के मूड के हिसाब से क्वेश्चन टैग लगता है यू कैन सीयर हेयर क्वेश्चन टैग इज यूज अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस if imperative sentence shows mood of request advice suggestion invitation then question tag kya hoga? will you will you please help me will you please help me meri madad kijiye please karenge will you take rest will you take medicine timely will you please

वॉन्ट यू नहीं रहेंगे क्या कीप क्वाइट शांत रहो नहीं रहोगे क्या डू फास्ट वॉन्ट यू स्टैंड यू फॉलो मी वॉन्ट यू गाइज एक बार फिर से देख लीजिए अगर इम्प्रेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट एडवाइस सजेशन एड इन्विटेशन शो करता है तो क्वेश्चन टैग क्या लगेगा विल यू और अगर ये ऑर्डर का मूड बताता है क्या इंपरेटिव सेंटेंस तो उस वक्त टैग क्या होगा वॉन्ट यू ना इफ इम्परेटिव सेंटेंस शोज मूड ऑफ रिब्यूक ऑर्डर में ऑर्डर नहीं ऑर्डर में एक फटकार है रिब्यूक है फटकार है ऑर्डर में मिला हुआ जब ऑर्डर में आप चीख कर बोलते हैं ऑर्डर को तो उस वक्त रिव्यू हो जाता है रिव्यू फटकार है इफ इम इम्परेटिव सेंटेंस शोज मूड ऑफ रिब्यूक देन क्वेश्चन टैग यू गेट लॉस फ्रॉम हियर यहां से निकल लो यू माइंड योर ओन लैंग्वेज जबान संभाल के यू कीप योर माउथ शट can't you hit him can't you and last if imperative sentence begins with letters or lets then it shows mood of proposal yes guys if imperative sentence begins with letters or lets then it shows mood of proposal और ऐसे सिचुएशन में हम क्वेश्चन टैग क्या लगाते हैं वी अगर सेंटेंस की शुरुआत लेटस्ट या लेट्स से होती है इंप्रेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेटस्ट या लेट्स से होती है तो उस वक्त क्वेश्चन टैग के शक्ल में क्या यूज होगा लेट अस गेट्स गोइंग फ्रॉम हियर चलो यहाँ से चलते हैं लेट अस वेलकम हिम लेट अस आस्क हिम नथिंग वी लेटस है्रेकफॉस्ट शैलवी ग क्या पढ़ा क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग क्या है Assertive, uh, या फिर इम्परेटिव सेंटेंस को अप्रूवल देने के लिए अग्री या डिसग्री एटीट्यूड को समझने के लिए एक फ्रेज यूज होता है वो फ्रेज क्वेश्चन टैग लग हो वो वो फ्रेज क्या कहलाता है क्वेश्चन टैग और ये कहाँ लगता है सेंटेंस के एंड में असर्टिव सेंटेंस के के रूल्स अपने हैं वहां क्या है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहां क्वेश्चन टैग नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा और अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में है तो वहां टैग क्या होगा अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग और गाइज क्वेश्चन टैग के हेल्प सब्जेक्ट और हेल्पिंग वो किसके हिसाब से सेट होते हैं स्टेटमेंट के हिसाब से अगर स्टेटमेंट जिस भी सेंटेंस में है जिस भी टेंस में है अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो टैग का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा और अगर वो फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो फ्यूचर का होगा और इंपरेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग मूड के हिसाब से सेट होते हैं अगर बात रिक्वेस्ट एडवाइस और किसमें सजेशन में है तो विल यू और अगर बात ऑर्डर में है तो वॉन्ट यू अगर आप रिव्यू में है फटकार कर फटकार रहे हैं किसी को तो क्वेश्चन तो टैग के शक्ल में कांट यू और अगर सेंटेंस की शुरुआत लेटस या लेट्स में है मतलब बात प्रपोजल के लिए है तो वहाँ क्या लगेगा वी ओके गाइज टेक केयर थैंक यू सो मच